जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहले मैं देवभूमि उत्तराखंड में माननीय उपराष्ट्रपति जी और डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय उपराष्ट्रपति जी का स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहता है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। राष्ट्र की एनर्जी सिक्योरिटी, आर्थिक विकास और पर्यावरण के अंदर में आपके संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है और आने वाले समय में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमारे पूरे राष्ट्र के सपने, लक्ष्य और संकल्प 2047 में विकसित भारत का बनना, इकॉनमी में पूरे विश्व में तीसरे पायदान पर जाना, नेट जीरो 2070, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलप गोल्स को हासिल करना और आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस को अचीव करना, इन सब क्षेत्र में यू आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है, आपकी जो स्किल है, जिसपे रिसर्च, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने सुंदर और इतने सम्मान रूप जय किसान, जय जवान और उसके साथ में जय अनुसंधान को जोड़ा है। वो यहाँ बैठे हुए हर एक वैज्ञानिक, रिसर्चर, शोधकर्ता के लिए एक बहुत सम्मान और एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस प्रकार आपके कार्य से जय हिंद, हमारे राष्ट्र की जय हिंद और सफलता के अंदर में आप साथी बने। जो पारंपरिक ट्रेडिशनल ऊर्जा के स्रोत हैं, उससे आगे बढ़कर नवीनीकरणीय ऊर्जा, जिसके अंदर में सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रोजन, ग्रीन एंड नीट एनर्जी, इसके अंदर में आप बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि हाइड्रोकार्बन, पेट्रोकेमिकल, ऑटोमेटिव एसोसिएटेड जो इंडस्ट्री है, इसमें आपका जो अनुसंधान है, आपकी जो इनोवेटिवनेस है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आपकी उपलब्धियां, जिस प्रकार डायरेक्टर साहब ने बहुत सुंदरता से बताया, वी आर इंडीड डीपली प्राउड ऑफ। आपने जो अपनी पहचान बनाई है वो एकदम अलग है। एयरफोर्स का जो आपने ब्यू, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर में योगदान दिया और इस वर्ष के रिपब्लिक डे के अंदर में और उसी प्रकार 2019 में जो आपके SAF ने रोल किया था, दैट वाज अ वेरी बिग रोल। पूरा देहरादून, उत्तराखंड और पूरा भारत आपका आभारी है कि जब कोविड की महामारी आई थी तो उसके अंदर में जो आपने रोल प्ले किया, जो आपने बिल्ड किया और डिलीवर किया, 8 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था और तब था जब पूरे राष्ट्र के सामने में एक चुनौती थी। मैं हरेक उत्तराखंडी की तरफ से आपको इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। हमारे सामने में चुनौती है कि आने वाले समय के अंदर में किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड स्मार्ट इंटीग्रेशन से हम सोलर, विंड और बायोफ्यूल के एरिया में तरक्की कर सकते हैं। मैं आप सबको, ईच वन ऑफ यू, मैं आपको
आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को मेहनत और लगन से ही हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा मानना है और पूर्ण विश्वास है इस चीज के अंदर में कि आपके रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल से भारत अवश्य विश्व गुरु और विकसित राष्ट्र की तरफ में अग्रसर होगा। धन्यवाद।